हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पे रीड रिसीप्ट का मतलब क्या होता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने WhatsApp को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम रीड रिसीप्ट्स का मतलब समझने वाले हैं कि उसका क्या काम है और वो क्यों होता है WhatsApp में। तो सबसे पहले आप अपने WhatsApp पे आ जाइए और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट पे जाते हैं। यहाँ पे ऊपर होता है प्राइवेसी, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड रिसीप्ट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों होता है और इसका क्या काम है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं और जब मैसेज वह पहुंच जाता है, तो सबसे पहले तो आप मैसेज भेजते हैं तो सिंगल टिक वहां पे हमें दिखाई देता है और जब वो मैसेज पहुंच जाता है तो हमें वहां पे डबल टिक दिखाई देता है और उसके बाद जब वो पढ़ लेता है, मैसेज को देख लेता है, उसके बाद वहाँ पे दोनों जो टिक है वो ब्लू हो जाता है। तो वही इसका काम है, रीड रिसीप्ट का काम है। अगर इसे आप ऑफ कर देंगे यहाँ से, तो आप किसी का भी मैसेज जो है उसे रीड रिसीप्ट जो है वो आपका नहीं दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप किसी का मैसेज पढ़ लेते हैं तो उनको डबल टिक जो ब्लू टिक होता है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इफ टर्नड ऑफ यू वांट सेंड और रिसीव्ड रीड रिसीव्ड। तो यहाँ पे अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आप किसी का भी मैसेज जो है वो देखेंगे तो आप उनको डबल टिक नहीं दिखाई देगा ब्लू टिक, और ना ही आपको भी नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे चले, यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चैट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल टिक जो है वो ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है वो जिसको मैंने भेजा था वो उसने पढ़ लिया है, इसके कारण यहाँ पे ये ब्लू हो गया है। और ये सब जो मैसेज है ये सब मैंने पढ़ा हुआ है तो उनके पास ये मैसेज डबल टिक में ब्लू हो गया होगा। तो यही उसका वो जो सेटिंग है उसका काम यही है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज भेजता हूँ, हेलो भेजा, तो यहाँ पे ये डबल टिक आ गया, इसका मतलब ये चला गया है मैसेज। लेकिन यहाँ पे ये ब्लू टिक नहीं आया, इसका मतलब जिसके पास मैंने भेजा है उसने मैसेज अभी देखा नहीं है। देख सकते हैं उन्होंने मैसेज देख लिया तो यहाँ पे हमारा ब्लू टिक हो गया दोनों, और यहाँ पे एक मैसेज भी मेरे को उसने भेज दिया है। तो ये मैसेज जो भेजा है उन ये मैंने भी देख लिया है, तो उनके पास भी इस तरह से डबल टिक ब्लू हो गया होगा। तो यही उसका काम होता है। और वहां से आप इसे डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे ये जो डबल टिक ब्लू हो जाता है वो नहीं होगा। यही बेसिकली रीड रिसीप्ट का काम है और यही इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।